तरबूज का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम तरबूज लिया है, जिसे मैंने छोटी स्लाइसेस में काट लिया है। साथ ही इसके बीज को मैंने अलग कर लिया है। 4 से 5 चम्मच शक्कर ली है, जो कि एज पर टेस्ट रहेगी। 4 से 5 चम्मच लेमन जूस, 7 से 8 पुदीने की पत्तियां, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। 1/4 चम्मच अदरक का पाउडर, या आप 1 चम्मच अदरक का जूस भी ले सकते हैं। ये अदरक पाउडर मैंने घर में तैयार किया है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे दे सकते हैं, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। 1/4 चम्मच काला नमक और आइस क्यूब, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ पर सभी चीजें मैंने 2 गिलास जूस के अकॉर्डिंग ली है, तो बाकी चीजें आपको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करनी है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम मिक्सर का जार लेंगे और इसमें सभी चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालते हैं तरबूज, जिसे मैंने छोटी स्लाइसेस में काट रखा है। तो तरबूज को मैंने ऐड कर लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे शक्कर, पुदीने की पत्तियां, अदरक का पाउडर, या आप चाहें तो अदरक का जूस भी ले सकते हैं, काला नमक, लेमन जूस, और फाइनली इसमें हम ऐड करेंगे आइस क्यूब, जिसे मैंने क्रश कर रखा है, और इसे हम सिंपली ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, तो इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। और अब इसे हम सर्व करेंगे, तो लेते हैं सर्विंग ग्लास और इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। और इसे हम सर्व करेंगे। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है और इसे हम गार्निश कर लेते हैं। लेमन स्लाइस और फ्रेश पुदीने की पत्ती से। तो फ्रेंड्स, बन के तैयार है मेरा तरबूज का शरबत। बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी रेसिपी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज की मेरी रेसिपी बच्चों के लिए है। आज हम बना रहे हैं वाटरमेलन लॉली, या इसे आप तरबूज का गोला या चुस्की भी बोल सकते हैं। तरबूज का सीजन चल रहा है, तरबूज बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग होता है। तो आइए हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तरबूज लिया है, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, साथ ही इसके मैंने बीज को भी अलग कर लिया है। 4 से 5 चम्मच मैंने गुलाब का सिरप लिया है। अगर आपके पास गुलाब का सिरप नहीं है तो आप इसकी जगह पे शहद का यूज़ कर सकते हैं, या तो शक्कर भी ले सकते हैं। 1/2 नींबू का रस लिया है, पुदीना की पत्ती ली है, और आइसक्रीम को जमाने के लिए मैंने ये छोटी छोटी ग्लास ली हैं थर्माकोल की, आइसक्रीम स्टिक ली है, और सिल्वर फॉयल लिया है, जिसे मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मिक्सर का जार लेंगे और इसमें ऐड करेंगे तरबूज, जिसे हमने टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही ऐड करेंगे लेमन जूस, गुलाब का सिरप, और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, आइए इसे हम चेक कर लेते हैं।
वाटरमेलन हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, ये देखिए। और अब इसे हम एक बार छान लेंगे, जो ताकि जो भी थोड़े बहुत बीज इसमें हैं वो निकल जाएं। तो इसे मैंने छान लिया है, ये देखिए। साथ ही इसका बीज अलग हो चुका है। इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और गुलाब के सिरप की मात्रा इसमें आप इसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि आपका तरबूज कितना मीठा है। अब इसे हम गिलास में डालेंगे जमाने के लिए। सबसे पहले हम गिलास में डालेंगे पुदीना की पत्ती, तो मैंने ग्लास में पुदीना की पत्ती डाल ली है। और अब इसमें हम डालेंगे वाटरमेलन जूस, तो मैंने वाटरमेलन जूस निकाल लिया है। थोड़ी सी पत्ती से ऊपर से हम लगा लेंगे, इससे देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे। और अब हम इसे इस तरीके से सिल्वर फॉल से कवर करेंगे, देखिए इस तरीके से इसे हम कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे मैंने कवर कर लिया है। तो इस तरह से हम सारे ग्लास को सिल्वर फॉयल से कवर कर लेते हैं। तो मैंने सभी ग्लासेस को सिल्वर फॉयल से कवर कर लिया है, ये देखिए। और अब इसमें हम चाकू की सहायता से थोड़ा सा छेद करेंगे इसके सेंटर में, इस तरीके से देखिए छेद कर लिया मैंने चाकू की सहायता से। तो सभी ग्लासेस में हम इस तरीके से छेद कर लेते हैं। तो मैंने सारे ग्लासेस में छेद कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम स्टिक, इस तरीके से। तो मैंने सारे ग्लास पे आइसक्रीम स्टिक लगा ली है, ये देखिए इस तरीके से। और इसे हम रख देंगे फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। सात से आठ घंटे हो चुके हैं और इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है। और अब इसे हम निकालेंगे इसमें से। इसे निकालने के लिए हम एक नॉर्मल पानी लेंगे, इसमें इसे इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए डिप करेंगे। ये देखिए ये आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से हम सारा निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे डिस्पोजल को फाड़ कर भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम सारे आइसक्रीम को निकाल लेंगे। ये देखिए तो सर मैंने सारे आइसक्रीम को निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स वाटरमेलन लॉली तैयार है।
और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।